रिटन लेक्चर समराइज स्पोकन टेक्स्ट बोथ आर सेम। रिटन लेक्चर में आपको बोलना होता है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपको लिखना होता है, लेकिन नोट्स बनाने का तरीका सेम। टेम्पलेट आपके पास है लेकिन फिर भी आपके क्यों नहीं स्कोर आ रहे, क्योंकि जब आप टेम्पलेट के अंदर अपने लाइंस बनाकर लिखते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। फर्स्टली जहां पर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, अगर आप ये कीवर्ड्स लिख लेते हो जैसे एयर हो गए या थाउजेंड हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आप लाइन नहीं बना पाओगे तो मत लिखिए। अगर लिख लेते हो इसको इग्नोर करो। दूसरी बात, एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करना शुरू करिए, जैसे एयर पोल्यूशन है आप एपी लिख सकते हैं, और कोशिश करिए हम दो या तीन कीवर्ड्स की एक लाइन बना लें, जैसे एनिमल्स आर डेंजरस, ब्यूटीफुल प्लेसेस, इन सभी को ऐड करने में आपको परेशानी नहीं होगी। द स्पीकर एक्सप्लेन्ड एनिमल्स आर डेंजरस, ये सही रहेगा, या द स्पीकर एक्सप्लेन्ड एनिमल्स जिसमें सिर्फ एक ही कीवर्ड, तो कोशिश करो इस तरह से कीवर्ड।